गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो भाई ब्लॉग में ना सबसे पहले लास्ट तक बने रहना और हम आपको यहाँ की कुछ चीज़ें वगैरह दिखाते हैं और बताते हैं। तो पहली बात तो भाई यहाँ पे यार मौसम देख सकते हो ठंडा है, पर यार गर्मी बहुत हो रही है। जहाँ की हवा भी चल रही है, अब इस पेड़ को देख के ना अंदाज़ा लगा सकते हो, पर यार गर्मी यहाँ पे है। इसके लिए मैं सुबह सुबह पर्दा डाल दिया और जो सारी चीज़ तो ओके है। अब उठाते हैं अपनी की और भाई गाड़ी को करते हैं लॉक और चलते हैं पहले चाय पीने, क्योंकि सुबह की बज गए 9 और अभी तक मैंने चाय साय नहीं पी। और जब घूम के ना आते हैं चाय पी के, पहले यार लॉक करते हैं गाड़ी को। आज हम इस साइड ना जाके चलेंगे इस साइड, जो कि यार पहले जहाँ पे हमेशा चाय पीते थे, क्योंकि यहाँ की चाय टेस्टी होती है और अच्छा भी होता है। वो भी बेचारा जो चाय बनाता है ना, वो भी है नेपाल के रहने वाले, तो भाई दूसरी दर से आके भाई चाय बना रही है यहाँ पे, तो भाई कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी यार दूसरे देश से या दूसरी जगह से आके भाई दूर से बना रहा है, तो भाई कुछ पैसे के लिए ही बना रहा है, काम कर रहा है। तो चलते हैं भाई वहीं पर चाय पियेंगे और चाय टेस्टी रहती है, इसके लिए वहाँ पर चलता हूँ। ठीक फिलहाल यार ये गाड़ी देख ही रहे हो कल से ही खड़ी है यहाँ पर, क्यों रोज़ आती है, दो तीन रोज़ निकलती है। वैसे अभी लास्ट का महीना चल रहा है तो ज़्यादा निकलना चाहिए, पर पता नहीं क्यों कम लोड निकल रहा है। लाइन तक खड़ी यहाँ से भाई मुझे 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, 1 किलो नहीं 700 मीटर लगभग होगा वो नीचे। यहाँ पे हमारी कंपनी की 2 गाड़ी थी, एक गाड़ी फ़िलहाल अभी तो है और एक गाड़ी यार यहाँ पर खड़ी थी वो निकल गई, और एक गाड़ी ना इसके आगे भाई यहाँ पे खड़ी थी और खड़ी है, मैंने सोचा ये भी निकल गई। पिछली बार अपनी गाड़ी भाई ये दोनों गाड़ी की ना आगे लगाया था जो किनारे खड़ी हैं, पर रात में यहाँ यार गाड़ियाँ लगी थी, घुमाने तक जगह नहीं था, फिर मैं सबसे पीछे लेके चला गया, यानी उधर सबसे आगे, भाई दिख भी नहीं रहा यहाँ से। तो वहाँ पर भाई जगह मिली और गाड़ी अपनी सेट कर दी। यहाँ पर देख सकते हो पानी भरा हुआ है, ये पहले की जो गाड़ियाँ खड़ी हैं तो वैसे ही खड़ी हैं, और पूरी पार्किंग भाई ना भर जाती है इस टाइम, क्योंकि बारिश होता है ना इसके लिए। और कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं सूखे में, जो कि इस साइड में, जो कि देख ही सकते हो ये भाई पानी भरा हुआ यहाँ पे लगा हुआ है तेज़ी से। इनमें गाड़ियाँ हमेशा फंसती हैं, निकलेंगी भाई या हैड्रा बुलाना पड़ेगा या किरेन, इसके लिए यहाँ पर लगी है। ये रही भाई खाने की दुकान और ये रही चाय की दुकान। ओ भाई नेपाली जो कि चाय बना देंगे नेपाल से आके। अच्छा चाय ना काफ़ी टेस्टी रहता है, सही रहता है, और यार यहाँ की बहुत सी फर्क है, पियोगे तो पता चल जाएगा। आज जो पहले पीते हैं और ये भाई रही अपनी पार्किंग, और इस साइड में ना पानी है। कंपनी बोली कि हम नहीं, हम तो अच्छा लेके पहुंचे। ये मक्खी जो कि नमकीन सी होती है, कितनी गर्मी होती है आपको, शर्ट नहीं पहनते? अरे यार गर्मी बहुत है। ये सब बात हो गई है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बताओ, बता रहे हैं कि हो गया तो माल मिल जाता है। अब मैं बताऊं, अब 3 दिन बोले ना, 3 दिन कि 3 दिन ड्राइवर रुके, 3 दिन के लिए अनाउंसमेंट हुआ था, पर जनवरी में 3 दिन के लिए हुआ था, कोई रुका क्या? सब चल रहे थे ना, हालत खराब हो गई थी। किसकी हालत? सरकार की खराब हो गई थी। तभी तो कोई सुधार नहीं आया। वो बोला कि नहीं नहीं अभी लागू नहीं हुआ कुछ भी, है कि नहीं? स्टेटमेंट देना पड़ा था मिश्रा को, कुछ लागू नहीं हुआ है, संशोधन होगा, ये होगा। हाँ संशोधन होगा, नहीं नहीं वापिस नहीं लिया था, संशोधन तो गया था, वापिस लिया था। लेने के लिए
के होएगा पूरा ही और नहीं भागो वही रहो तो सजा कम हो जाएगी। लागू कर ठीक है लेकिन उसी तरह हाईटेक रोड भी दो दो हमको। देखो नियम लागू करेगा वो सही है। अब आप लोग बताओ कि नियम तो सही है मेरे हिसाब से। नियम सही है अब बताओ उसके लिए नियम कहाँ पे यूज होना चाहिए। सही बात कर दिया अभी उसको छोड़ो। मेरे पास एक वीडियो है सुनो यार वही बात है। 7 लाख रुपए जुर्माना 10 साल की सजा। तुम 7 लाख रुपए देखे आंखन से किसी मालिक ने किया ऐसा कितना कमा लिया ड्राइवर बताओ तुम। अरे तुम जिंदगी हो गई जिंदगी निकल जाती है ये कब्रा नहीं बना पाते यार मेरे। ओमान में 10 गाड़ी आ रहा है 50 गाड़ी कहाँ से आ रहा है। वो जो फेंकने वाले हैं ना उनसे नहीं जीत पाओगे फेंकते ही रहते हैं। नई कानून बनाए तो उसमें ये होता प्रावधान दारू की नशे में जो जिसको ठोकेगा उसके ऊपर। अभी मैं सुनो अभी परसों आ रहा था कार वाला शायद पी के रखा था और उसके ऊपर वो बाइक वाले को ठोक के ठीक है बाइक वाले को ठोक के वो बाइक वाला पूरा छटक गया और उसके बाद पूरा वो मतलब पूरा जख्मी हो गया था बाइक उसकी तीसरी तीसरी उड़ गई थी फिर भी वो कार वाला रोका उसको कुछ नहीं हुआ निकाल दिए उसको ठीक और उसको सब निकाल दिए कि जाओ भाई वो कार वाला था ना बाइक वाला क्या करेगा यही चीज होता है। चाचा पीजिए भाई आ गए अपने गाड़ी पे और भाई वहाँ पे 4-5 ड्राइवर बैठे थे जो कि भाई वहाँ पे देख ही रहे थे। बात हो रही थी कि 3 दिन जो पीछे हड़ताल लगा था जनवरी में तो कितने ड्राइवर उसमें रुके थे किसमें कितने नहीं तो अभी बात चल रही थी 1 तारीख जो आ रही है अभी अगले महीने में तो इसमें फिर भाई अपना हड़ताल लगने वाला है। तो ये बोल रहे थे भाई अगर हड़ताल लगेगा तो सारे ड्राइवर भाई गाड़ी खड़ी करेंगे और कोई गाड़ी उतारेगा नहीं क्योंकि ये चीज़ जो नियम कानून है ये लागू हो चुका है। ये लागू 1 जुलाई को हो गया था पर कितने ड्राइवर को पता है कितने को नहीं और इसलिए नहीं पता है ना जो ये हिट और रन आया था तो ये सबको एक बैग पता चल गया था उस टाइम क्योंकि भाई मीडिया वाले इसको ऊपर ला दिए। अब की बार जब ये लागू हो गया कोई भी ऊपर नहीं लाया इसके लिए ड्राइवर थोड़े भड़क गए उड़ गए अब और अब की बार ऊपर ही नहीं लाया तो भाई कौन भड़केगा। तो धीरे धीरे जिनको पता चल रहा है तो ये सब बोल रहे हैं भाई 1 तारीख को ये नियम का पालन करना है यानी अपनी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी करनी है यानी जो जहाँ पे है रोड पे ही नहीं जो जहाँ पे है वहीं पे गाड़ी खड़ी करेगा और रोड पे उतारेगा नहीं तो इसके लिए वहाँ पे भाई बात को सुनना पड़ा ठीक है। और जहाँ पे 10 ड्राइवर रुके रहते हैं वहाँ पे भाई अगर रुको तो कुछ अच्छी बातें मिलती है कुछ गलत बातें मिलती हैं सीखने के लिए तो इसी तरह भाई अपना मतलब ड्राइविंग लाइन चलता है। कोई भी चीज़ अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाननी है ना तो जहाँ पब्लिक है वहाँ पे रुको उनकी बातें सुनो कौन क्या बोल रहे हैं कौन क्या बोल रहे हैं आपको बहुत सी नॉलेज वहाँ से आपको इकट्ठा हो जाएगी। तो यही सब है भाई तो वहाँ पे यही लगा था तो आ जाओ हम लोग गाड़ी पे आ गए मैं भी और क्योंकि यार बारिश बाहर हो रही है ना तो थोड़ी अभी बीच में तगड़ी बारिश हुई थी इसके लिए जल्दी आ गया। अभी आपको यहाँ का मौसम दिखाता हूँ कि मौसम कैसा है। वैसे ठंडक हो गई है और ठंडा भी है मौसम जो कि अच्छा लग रहा है और ऐसे ही भाई मौसम बना रहे ना तो और मज़ा आ जाएगा। पर देखो क्या होता है कभी बारिश कभी धूप कभी छांव ऐसा होता रहता है। आ जाओ आपको मौसम का सैर कराते हैं एक बार। फिलहाल अपनी लगी है गाड़ी ये और बाहर देख सकते हो भाई बारिश हो रही है तो भाई यहाँ का ये व्यू है देखो एक बार और ये हमारी पालिया और यहाँ का व्यू। तो सामने भाई इंजन रुका हुआ है रेलवे फाटक पे तो भाई ये कुछ नज़ारे हैं और ये भाई अपना अशोक लेलैंड का जो पार्ट्स वगैरह बनते हैं ना ये उसकी कंपनी है। और एक और दिखाता हूँ अशोक लेलैंड का आपको भाई वो सामने है आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। तो यही चीज़ है कुछ यहाँ के मौसम। अभी अच्छी खासी बारिश हुई थी पर अभी ना बारिश थोड़ा कम हो चुका है तो अभी फिर भी अगर हो जाए अच्छी खासी बारिश तो भाई मज़ा आ जाएगा ठंडक हो जाएगी थोड़ा बहुत। आ जाओ देखते यार क्या होता है क्या नहीं यहाँ तो अभी जब तक नहीं लोडिंग मिलेगा नहीं तब तक यहाँ पे खड़ा ही होना है। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं भाई अभी लोडिंग का कुछ पता नहीं चला है तो फिलहाल खाना खाने का टाइम हो गया है तो मैं भाई चाय पीने गया था वहीं से खाना पार्सल लेके आ गया था। और ये रही भाई अपनी दही जो कि दही यार रेडीमेड है
और लखनऊ में खाया था, अच्छी दही थी क्योंकि भाई घर का बना था। और यहाँ पे भाई रेडीमेड दही है और प्लस रोटी भाई पार्सल कर ली थी वहीं से। आ जाओ यही खाते हैं और खा के देखते हैं भाई लोडिंग वगैरह कब आती है। जब लोडिंग आएंगे उसके बाद ही आगे निकलेंगे। आ जाओ फटाफट, पहले ना पेट पूजा करते हैं। ये रही भाई अपनी दही, ऐसी दही होती है ऐसी भाई, खट्टी है क्योंकि दुकान की होती है ना, और घर की होती है तो भाई दूध को अच्छे से पकाया जाता है और पका के बनती है। और ये अपनी रोटी है, चार रोटियां पार्सल करा देती हूँ क्योंकि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा तीन रोटी खा पाता हूँ और चार रोटी नहीं। आ जाओ मस्त खाते हैं, देखते हैं भाई क्या मज़ा आता है।